सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद लोगों ने बॉलीवुड का असली चेहरा देखा और इसका सीधा असर न सिर्फ फिल्मों पर हुआ बल्कि टीवी शोज की टीआरपी लगातार गिरती रही। और अब एक और दुकान है जो बंद होने वाली है और इस दुकान का नाम है मैडम टुसाड्स म्यूजियम। सभी जानते हैं लंदन में इसकी शुरुआत हुई थी और 2017 में मैडम टुसाड्स का पहला म्यूजियम, इंडिया का पहला वैक्स म्यूजियम खुला दिल्ली के कनॉट प्लेस में रीगल सिनेमा में, लेकिन अब इसे बंद करने का फैसला ले लिया गया है। और वजह इसकी बताई जा रही है, एक तो कोरोना के बाद से वैसे ही लोग अब बाहर जाने से परहेज करने लगे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों के बीच अब फिल्मी हीरोज के साथ फोटो खिंचवाने का क्रेज खत्म हो रहा है। लोगों को असलियत समझ में आ चुकी है, असली और नकली का फर्क समझ में आ चुका है, रियल लाइफ हीरोज और रील लाइफ हीरोज का फर्क समझ में आ चुका है, और लोग ये भी समझ चुके हैं कि असली हीरो क्या होता है और वो क्या होता है जो कहानी में हीरो का किरदार अदा करता है। यानी जो चेहरे हमें मशहूर चेहरे दिखते हैं वो असल में रियल लाइफ के हीरोज नहीं हैं, वो सिर्फ फिल्मों में हीरो का किरदार निभाते हैं। ये फर्क जानने के बाद अब लोगों में पहली जैसी उत्सुकता नहीं रही है और यही वजह है कि दिल्ली का जो मैडम टुसाड्स वैक्स म्यूजियम है वो अब खुलेगा नहीं, ऐसा कहा गया है। लोगों का रुझान कम हुआ और साथ ही अब इस धंधे में फायदा नजर नहीं आता क्योंकि लोग असली चेहरा पहचान चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि मैडम टुसाड्स के करीब 24 देशों में 116 वैक्स म्यूजियम्स हैं और यहाँ जो दिल्ली में रीगल सिनेमा में कनॉट प्लेस में जो वैक्स म्यूजियम था अभी तक, उसमें मधुबाला, कपिल शर्मा, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, निकोल किटमन, जाकिर हुसैन, आशा भोसले, मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर, ऐसे कुछ लोगों के वैक्स स्टैचूज रखे गए थे। तो बड़ी खबर ये कि अब लोगों की आंखें खुली हैं, फिल्मों से लोगों का जो लगाव था वो कम हो रहा है, टीवी शोज की टीआरपी गिर रही है, अब इन लोगों के पुतले जो बनाकर लगाए गए थे कि लोग इनके साथ फोटो क्लिक करेंगे क्योंकि अब लोग इनकी असलियत पहचान चुके हैं, इसलिए लोग अब इन पुतलों से भी दूर भाग रहे हैं क्योंकि ये पुतले, ये झूठे पुतले हैं, ये सच की बुनियाद पर नहीं है, ये झूठ की बुनियाद पर हैं, खोखले हैं, इसलिए लोग अब इस खोखलेपन से दूर भाग रहे हैं। तो एक बड़ी खबर आपके लिए आज के दिन की शुरुआत, मेरी नजर पड़ी इस खबर पर और सोचा आपके साथ इसको शेयर किया जाए।